हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है चटपटे चने। तो यहाँ पे हमने एक बाउल भर के चने ले लिए और उसे रात भर हमने ये भिगोने रख दिए थे। ये काफ़ी अच्छे भीग चुके हैं। अब हम इसे कुकर में ऐड कर देंगे और एक कप पानी ऐड कर देंगे इसमें, ताकि ये हमारे चने अच्छे से बॉयल हो जाए। और एक टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसका ढक्कन लगा के इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ दूसरे बर्तन में हमने 2 से 3 टीस्पून ऑयल ले लिया है और उसमें थोड़े से सरसों के दाने डाल देंगे और 1/2 टीस्पून जीरे ऐड कर देंगे। और ये चटकने के बाद हम इसमें प्याज जो एक बारीक कटा हुआ और 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ हमने थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लिया है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है कड़ी पत्ता। अब इसे हम फ्राई होने देंगे। दूसरी तरफ हम एक बॉल ले लेंगे, थोड़ा सा उसमें पानी है। तो यहाँ पे हम सारे हमारे चनों के मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने आमचूर 1/2 टीस्पून लेना है और लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून लेना है, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक आपके स्वाद के अनुसार लेना है और धनिया पाउडर और चाट मसाला वो आपको 1/2 टीस्पून दोनों ले लेना है और सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है पानी में। और ये देखिए काफ़ी अच्छा मिक्स है, इसे छोड़ देना है। अब हमें ये फ्राई हुए प्याज में एक टमाटर ऐड करना है और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड करना है और अच्छे से उन्हें चम्मच से मिला लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे हमारे सारे मसाले जो भिगोए थे सब प्याज के मिश्रण में डाल दी है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये अच्छे से फ्राई हो गए तो इसमें हमें उबले हुए चने ऐड कर देना है और सबको मिक्स कर लेना है। देखिए काफ़ी अच्छे से अभी इनका पानी सूखने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। और हरा धनिया हमें अच्छी बारीक तरह से काट लेना है और इन चनों में ऊपर से डाल देना है। तो देखिए काफ़ी अच्छे से हमारे चने बन चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक बाउल में सर्व करेंगे। चटपटे हमारे चने बन चुके हैं, कम मसालों के, बहुत ही बेहतरीन, आप कभी भी खा सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए। और आपको हमारा चैनल और ये रेसिपी कैसी लगी है तो बताएं और एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।